रगड़ रगड़ के साफ करेंगे और फिर करेंगे इसे दोबारा फिट जैसे ये खोला था। फिर 1 2 3 क्या बात क्या बात। अब तो भाई स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही, अरे तू कहाँ जा रहा, तो इसमें गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही कि उस दिन हम ऑफ रोडिंग करके आए तो उसके बाद क्या है ना, गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही। सेल्फ में ये है कि जैसे गाड़ी घुमा रहे तो खाली टिक टिक की आवाज़ कर रही। देखो तो मैं बताता हूँ कैसे टिक कर रही। अब ये गाड़ी घुमाई, इग्निशन ऑन हो गया, लाइट आ गई अच्छे से, तो आने के बाद ना बस एक आवाज़ आएगी, ठीक है ना, इधर से आपको सुनाई देगा। तो जब भी सेल्फ घुमा रहे हैं उस समय ये एक सिंगल आवाज़ आ रही है। अभी मैं जैसे घुमाऊंगा, अब चाबी वापस कर दी, वो चली गई, है ना। तो ऐसे एक बार, तो ये टिक टिक की आवाज़ आ रही है और गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही। तो इसमें हम इसी परेशानी का थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे कि भाई ये दिक्कत क्यों आ रही, और कोशिश करेंगे ये अपने आप ही घर पर ही सोल्व हो जाए, ठीक है ना, मिस्त्री तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी क्या है कि जैसे गाड़ी का स्टार्टर मोटर होता है ना, जो सेल्फ मोटर होता है, ठीक है ना, मैं उसकी फ़ोटो डाल दूंगा। तो स्टार्टर मोटर के ऊपर ना एक छोटा सा और मोटर होता है, उसे सोलेनाइड करके कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर एक पत्ती होती है, कि जैसे ही हमने ये सेल्फ घुमाया तो वो पत्ती ना ऐसे ऊपर नीचे जाती है। तो ऊपर नीचे जाने की वजह से उसमें क्या है कि कार्बन या अगर वो डैमेज हो गई तो अच्छे से उसमें करंट फ्लो जो है ना वो अच्छे से नहीं हो पाता। और जब करंट फ्लो आगे की तरफ अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होगा ना, तो गाड़ी का सेल्फ जो है ना मूव नहीं करेगा। तो उसी की वजह से ये शायद मुझे दिक्कत लग रही है। तो उसे खोलेंगे, खोलने के बाद फिर देखते हैं, अगर वही प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई दूसरी मिली तो उसका भी इलाज करेंगे। तो ये गाड़ी का बोनेट हमने खोल लिया, अगर आपको दिखाई देगा तो मैं अगर जूम करके कोशिश करूँगा दिखाने की। तो ये जो अंदर है ये है स्टार्टर मोटर। तो स्टार्टर मोटर के ऊपर जो ये ऊपर आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है जिसमें वायर लगे हुए है, तो ये हमारा जो है ना टक टक की आवाज़ कर रहा है। इससे क्या है ना करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले हम इसके एक बार वायरिंग चेक कर लेंगे कि वायरिंग में कोई इशू तो नहीं है, वायरिंग में कोई कार्बन वगैरह तो नहीं आ रहा। और अगर वायरिंग वगैरह भी क्लीन करने के बाद यही नहीं हो रहा तो इसे क्या है ना इसे हम ओपन करेंगे, और ओपन करके इसके अंदर जो एक पत्ती होती है उसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर वो रिपेयर हो जाते ठीक है, नहीं तो फिर ये पूरा का पूरा चेंज होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं इसकी क्लीनिंग करके देख लेता हूँ। वो आपको सामने की तरफ ये इधर वायर दिख रहे होंगे, तो इन वायर के जितने भी कार्बन वगैरह है वो मैं सारे क्लीन करके देखूँगा। तो क्लीन होने के बाद फिर देखते हैं कि भाई ये स्टार्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। तो ये ले लिया भाई अपने हथियार हाथ में। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे अपना ये टायर है इसके पिछली तरफ ना उस तरफ है सेल्फ, ठीक है ना, सेल्फ की जो मोटर है। तो इसमें क्या है कि ये वाला अपने जो पैंच वगैरह है ना ये अभी रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद फिर वो हमें एक्सेस हो जाएगा आराम से, ठीक है ना, उसमें जो भी काम करना होगा। क्योंकि आगे की तरफ से मैंने डाल के देखी थी चटाई, तो वहाँ से उसमें हाथ नहीं जा पा रहा, तो इधर से ही एक्सेस होगा। तो अभी क्या है कि ना ये सारे पैंच ना खोलते हैं। एरिया बहुत कंजेस्टेड है। ये आ गया हमारा सेल्फ मोटर, ठीक है ना। तो अभी इसकी वायरिंग वगैरह सारी चेक करता हूँ। लगा सेल्फ लगा, हाँ ये सारा ना क्लीन करके भी देख लिया, लेकिन उसके बाद भी ना ये टक टक की आवाज़ ही कर रहा है। दोबारा कर, ये पूरा ओपन ही करना पड़ेगा, इसका काम ही नहीं कर रहा, इसमें करंट सही से पास नहीं हो रहा। तो हाँ हम गाड़ी का अभी सेल्फ खोल रहे हैं, सेल्फ गाड़ी का काम नहीं कर रहा था। तो ये देखना है कि अब इस सेल्फ को खोल कर किस तरीके से हम ठीक कर पाते हैं। हमने सेल्फ मोटर खोल लिया, ठीक है ना, ये सेल्फ है और ये इसका सोलेनोइड है, जिससे कि सेल्फ लेने के बाद ना यहाँ से करंट पास होता है, वो करंट पास होने के बाद सेल्फ घूमता है, ठीक है ना, जिस तरीके से हम चाबी। तो फिलहाल इसके दो पैंच खोल लें, ये मैंने लूज़ कर लिया पहले ही, तो अभी ना खोलते हैं। तो इसकी करेंगे भाई सर्विस, क्योंकि पहला जो अपना ये सेल्फ मोटर है इसकी तो मैं पहले सर्विस करा चुका, इसकी सर्विस नहीं हुई थी, तो अभी करेंगे इसकी सर्विस, ठीक है। तो ये कुछ अपना ऐसा है अंदर से, तो इसमें ये चीज़ है ना जो ये काम सही से करना बंद कर देती है, तो इसी की करेंगे आज हम अपना सर्विस, ठीक है ना। ये तो हो गया सेल्फ मोटर, ये हो गया सोलेनोइड। सोलेनोइड का क्या काम होता है कि यहाँ से जैसे करंट पास होगा ना
तो इसमें एक मान कर एक मूव होने का पार्ट होता है, करंट पास होती, जैसे वो मूव होएगा ये वाली जो गरारी है, ठीक है ना, जैसे मूव होएगा तो ये वाली गरारी अपने आप ऑटोमेटिक आगे आ जाएगी, ठीक है ना, और गाड़ी को मतलब इंजन को घुमाएगी यानी सेल्फ लेगी, ठीक है ना। जैसे हम चाबी को ऑफ कर देंगे, मतलब थोड़ा पीछे कर देंगे सेल्फ लेने के बाद, ये गरारी अपने आप वापस चली जाएगी और हमारी गाड़ी स्टार्ट रहेगी। तो ये होता है इसका तरीका। ये वाला मोटर तो एकदम घूमना स्टार्ट हो जाता है जैसे हमने सेल्फ घुमाया, तो ये तो तुरंत घूमना स्टार्ट होगा। और जैसे ही हमने सेल्फ घुमाया तो सोलेनोइड क्या होती है कि इसमें एक मैग्नेटिक पावर की वजह से ये वाली गरारी है ना तुरंत थोड़ी आगे आ जाती है, ठीक है ना। आगे आती है, इंजन की गरारी से मैच करती है, इंजन को घुमाती है, इंजन स्टार्ट करती है, ठीक है ना। जैसे हम चाबी ऑफ करते हैं तो ये गरारी तुरंत वापस चली जाती है, तो फिर इस एरिया में अपना इंजन वाली गरारी फ्रीली घूमती रहेगी, ठीक है ना, वो फिर इसमें डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता। तो अभी इसमें दिक्कत क्या हो रही कि जैसे हम सेल्फ ले रहे हैं ना, तो ये मोटर तो सही काम कर रही है लेकिन ये सोलेनोइड अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। तो हमें इसी का देखना है कि भाई क्या दिक्कत क्या आ रही है इसके अंदर। आज इसकी सर्विसिंग करेंगे, ठीक है ना। अभी इसे खोल लेते हैं, खोलने के बाद फिर देखते हैं इसमें अंदर क्या कहानी मिलती है। इसमें अपने दो ये पेंच है, पहले ये खोल लेंगे इसे अलग करने के लिए, ठीक है ना। और वैसे इसे खोलने से पहले हम एक बार अपना ये मोटर भी तो चाहे मतलब बैटरी से लगा के बाहर इसे चेक कर सकते हैं, बाहर निकाल के कि मोटर और ये अपना प्रॉपर काम कर रहे है या नहीं कर रहे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसे खोलने से पहले एक बार डायरेक्ट मोटर बैटरी में लगा के ये देखूंगा कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है ना। उसके बाद अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये आ गए हम अपना बैटरी के पास, ठीक है ना। मेरे पास दो टायर है, एक तो ये हो गया अपना जंपर वायर, ठीक है ना, एक ही है। इसे डायरेक्ट बैटरी में लगा के देखेंगे स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा। तो अभी क्या है कि ये ले लिया मैंने नेगेटिव, ठीक है ना, ये अपना पॉजिटिव इसे बाद में लेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव में क्या है कि हमारा ये पूरा ना जो बॉडी होती है, जैसे गाड़ी की पूरी बॉडी, वो नेगेटिव है, कहीं से भी उठा लोगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव आपको अलग से लेना पड़ेगा। ऐसे ही ये है, इसमें इसकी पूरी बॉडी इधर 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 कहीं भी इसे टच कर लो ये पूरा नेगेटिव ही है, ठीक है ना। तो मैं इसे यहाँ अच्छे से टच कर लेता हूँ, ठीक है। टच करने के बाद फिर लेता हूँ मैं पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव मैंने वहाँ लगा दिया। अब इसके बाद देखते हैं हम ये अच्छे से वर्क कर रहा नहीं कर रहा। तो ये तो अच्छे से काम कर रहा है, मोटर भी अच्छे से काम कर रहा है, फिर दिक्कत का है ये देखो, ठीक है ना, मोटर भी अच्छे से काम कर रहा है, ये देखो मोटर अच्छे से वर्क कर रहा है, फिर उसके बाद सोलेनोइड भी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ से ये काम सही से नहीं कर रहा, तो इसे एक बार देखेंगे। चलो भाई अब ये अपना इसे खोल कर देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ये है अपना सोलेनोइड, ठीक है ना, ये पैंच हो गए इसके, एक पैंच इसका ये हो गया, और ये इसकी सोलेनोइड। इसमें क्या अच्छे से इसकी ग्रीसिंग वगैरह बढ़िया करके करेंगे, इसे चाहे तो खोल रहा हम इससे अपना अलग कर लेंगे ताकि इसे एक्सेस करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये इसके अंदर का स्प्रिंग, एक एक चीज़ को खोल खोल के धीरे धीरे करेंगे क्लीन। तो भाई इसकी सर्विस हमने बढ़िया से कर ली, देखो बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया, ये सर्विसिंग कर ली। अब ईसा करते हैं सेल्फ के साथ फिट। अभी क्या है कि गाड़ी में फिट करने से पहले मैं देखना चाहता हूँ जो गाड़ी की वायरिंग है, क्योंकि हमने डायरेक्ट बैटरी से लगा के देख लिया, ये भी वर्क कर रहा है, अपना मोटर भी घूम रहा है, वो आपने देख लिया होगा। लेकिन अभी क्या है कि मैं गाड़ी में अंदर फिट करने से पहले इसे एक बार बाहर चेक करना चाहता हूँ कि जो गाड़ी का हमारा इग्निशन है उससे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो अभी मैंने क्या करा कि पीछे के जो दो वायर इसमें लगते हैं इंजन में फिट करने के बाद, वो दो मैंने ऐसे के ऐसे ही लगा दिए। उसके बाद मैंने गाड़ी का ये रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसे क्या चाहिए, इसे यहाँ पे पावर आने के लिए चाहिए अर्थिंग। तो अर्थिंग कहाँ से देंगे, तो मैंने ये जो मेरे पास ये मेरा वायर है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वायर है, ये मैंने गाड़ी में कहीं भी लगा दिया है, क्योंकि पूरी गाड़ी हमारी क्या होती है ना, अर्थिंग होती है। यहाँ मैंने दोनों बैटरी के तार दोनों लगा दिए, अपना नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, वहाँ से मैंने अर्थिंग उठाई। अर्थिंग उठाने के बाद फिर मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। अब इसमें क्या है कि गाड़ी को पॉजिटिव वहाँ से मिल गया, जो दोनों वायर ये
पीछे वाले कनेक्ट थे, वहां से पॉजिटिव आ गया और ये मिल गया नेगेटिव। अब उसके बाद मैं दूंगा सिग्नल, ठीक है ना। तो सिग्नल के बाद देखते हैं ये क्या कर रहा है, इसमें क्या फॉल्ट है। अभी मैं लगाऊंगा सेल्फ। ओके, तो इसमें ये दिक्कत है कि सेल्फ लेने के बाद क्या है ना कि हमारा ये गरारी तो मूव हो रही है लेकिन हमारा मोटर मूव नहीं हो रहा, और जब तक मोटर मूव नहीं होगा तो हमारी गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी, तो यही मेन चीज़ प्रॉब्लम है। तो भाई फिर से हमने ये डिसेंबल कर लिया, फिर से हमने इसे खोल लिया, तो कहानी ये समझ में आ रही है कि हमारा ये भी ठीक काम कर रहा है अब और मोटर भी ठीक काम कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जब गाड़ी से हम सेल्फ दे रहे हैं ना तो हमारा पावर ना डायरेक्ट इनमें आता है, इसमें पावर आने के बाद वो पावर मोटर के अंदर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इसने तो अपना मूव करके गरारी जो है वो आगे मूव कर दी, इसने जब अपना काम करा, इसके अंदर करंट आया, गरारी आगे मूव होगी लेकिन हमारा मोटर नहीं घूम रहा। तो उसकी वजह क्या है कि इसने तो अपनी गरारी मैग्नेटिक के थ्रू आगे कर दी लेकिन इसके बाद यानी इन तीनों पॉइंट में पावर आने के बाद वो पावर हमारे मोटर में ट्रांसफ़र नहीं हो रही, और मोटर में नहीं ट्रांसफ़र होने की वजह से हमारा मोटर मूव नहीं कर रहा, उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही, ठीक है ना। तो मोटर हमारा एकदम ओके है, दिक्कत इसी में है। तो इसे अब क्या करेंगे, अभी हमने आगे से खोल के इसकी पूरी सर्विस करी थी, अब हमें पीछे से पूरा ये सोल्ड आयरन सब कुछ करके इसकी अच्छे से पीछे से खोल के इसकी सर्विस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो दिखाते हैं इसकी सर्विस होती कैसे है। तो बन गई, अब भाई हमें अब बनना पड़ेगा थोड़ा सा देर इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन में ये है, ये हमारा सोल्डिंग आयरन है, इसे करेंगे हम गर्म। अब यहाँ से ना पिंगला के ठीक इसे हमें करना है ऊपर।
लो भाई पूरा खोल दिया, बहुत मेहनत लगी, यहाँ चोट लग गई, यहाँ चोट लग गई, हर जगह चोट लग गई, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, मेहनत का फल है। तो इसमें आमतौर पे क्या होता है ना, कुछ सोलेनोइड में ना इधर पैंच होते हैं, एक पैंच इधर है एक इधर है, दोनों खोले इसे बाहर निकाल लिया नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या, ये पूरा सील पैक था साइड से, ऐसे पूरा कवर था इसके ऊपर, ठीक है ना। प्लास से कम मुझे एक घंटा लग गया ऐसे पूरा, ये देखो प्लास से मैंने पूरा करके ये निकाला, ठीक है ना। अभी इसे निकालता हूँ बाहर, बाहर करके देखता हूँ इसमें अंदर की क्या कहानी है इसकी। हालत बहुत ख़राब है इसकी अंदर की, दुनिया में हर चीज़ रिपेयर होती है, इसे भी रिपेयर करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे इसी से। नहीं तो ईजी क्या है कि निकाला, मार्केट गए, नया लेकर आए, लगा दिया, उसमें कोई इतना मज़ा नहीं है। लेकिन कोई ख़राब चीज़ है कम से कम उसे एक बार रिपेयर करके ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो अपनी वही कोशिश है कि रिपेयर करने के बाद ये चल जाए, ठीक है ना, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अब तक मुझे ऐसे खोलने में एक रुपया भी मेरा खर्च नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं बाहर लेने जाता तो 2-2.5 हज़ार रुपये का कम से कम ये होता, बाहर मिस्त्री से खुलवाता तो कम से कम 1500-2000 रुपये वो ले लेते, तो मेरे 4-5 हज़ार रुपये ठंडे हो जाते। पर अब तक मेरा इसमें खाली मेहनत लगी है, लेकिन मेरा एक भी रुपया नहीं लगा किसी भी प्रकार का। तो भाई मेन कहानी यूँ है, जैसे ये है ना, मैंने इसमें से खोल दिया तो ये देखो कितनी रस्टिंग है इसके ऊपर। इस रस्टिंग की वजह से ना इसमें अच्छे से करंट नहीं पास हो पा रहा, इस वजह से वो नहीं चल रहा, ठीक है ना, ये रस्टिंग की वजह से। तो इस पूरी रस्टिंग को इसे साफ़ करेंगे, ये देखो कितना बुरा हाल है इसका, ठीक। फिर इसके अंदर देखो क्या बुरा हाल हो रखा, ये टाइम के साथ साथ हो जाता है रस्टिंग वगैरह, ठीक है ना। वैसे काम प्रॉपर कर रहा था, रस्टिंग की वजह से हो रहा, ठीक है ना। इसमें अंदर की तरफ ये देखो, ये दोनों चीज़ें है ना, कितना बुरा हाल है। इनमें कैसे करंट सही से फ्लो होगा, तो करंट सही से ना फ्लो होने के कारण ना ऐसा हो रहा है। तो अभी ना पूरा क्लीन करके लगाएंगे, क्लीन करने का प्रोसेस ये है कि इन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे और फिर करेंगे इसे दोबारा फिट जैसे ये खुला था। फिर उसके बाद गाड़ी में इंस्टॉल करके फिर देखते हैं ये काम करता है नहीं करता। इसे भी बाहर निकाल लेते हैं इसकी कोयल को, ये इसकी कोयल जो मैग्नेटिक पावर जनरेट करती है, ठीक है ना। एक तरीके से ये भी काफ़ी मतलब ठीक है, मतलब काम चल जाएगा इससे। तो है ना पूरे को सबको क्लीन सेट करके बढ़िया करके ऐसा करते हैं इंस्टॉल, ठीक है ना। बताओ देखो मेरा कहाँ गया, मेरा सोलेनोइड का क्या हाल है, उसका स्प्रिंग यहाँ है, वॉल्व यहाँ है, चैम्बर यहाँ है, ठीक है ना, वायरिंग, ये उसके जो पिस्टन चलता है इसमें ये, ठीक है ना। अभी ना सबको साफ करके क्लीन करके ऐसा करते हैं पैक। तो ये भाई पूरा अपना रेक माल पर सेट करके ये देखो, पहले बिल्कुल काले हो रखे थे और अब इनकी ये कंडीशन देख लो, और फिर हमारा ये भी देखो बिल्कुल रेक माल मार के बिल्कुल सेट कर दिया, ठीक है ना। अंदर थोड़ी ग्रीसिंग कर दी, ठीक है ना, चारों तरफ से बिल्कुल नया। और मैंने इसे ना थोड़ा पलट के लगा दिया, पहले वो उस तरफ से होता था कनेक्ट, मैंने इसे फ्लिप कर दिया, ठीक है ना। बाकी अपना ठीक है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये कार्बन वगैरह इतने समय के बाद आ जाता है तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। अब करते इसे फिट, ये वायर पूरा सेट करके दोनों वायर बाहर निकाल दिए, पूरा घिस के इसमें लगा दिया, ठीक है ना। अब ये इसमें दोनों वायर सल ये डाल के जो जहाँ जिस जगह थे उन्हें डाल के अब पैक हो रहा है। तो भाई गाड़ी में लगाने का अपना प्रोसेस यही है, अभी मैं इसे अंदर नहीं लगाऊंगा उधर, अभी मैंने टायर के ऊपर रख दिया। तो इसके जो मेन वायर है, एक तो है इसका मेन वायर ये, और दूसरा जो बड़ा मेन वायर है वो है नेगेटिव का ये। अभी मैंने क्या, क्योंकि ये खुले पड़े हैं तो मैंने बैटरी से जो पॉजिटिव का वायर है वो हटाया हुआ है ताकि ये कहीं बॉडी में टच होके शॉर्ट सर्किट ना करे। तो अभी मैं पहले इसे एक बार इसमें सेल्फ में इधर लगा लूँगा दोनों वायरों को, और दोनों वायरों को लगाने के बाद फिर बैटरी का वायर लगाऊंगा, उसके बाद देखते हैं अपना सेल्फ लगा के कि ये दोनों एक साथ काम कर रहे नहीं कर रहे। पहले क्या था कि खाली ये जो गरारी है ये आगे पीछे मूव हो रही थी, लेकिन मोटर नहीं मूव हो रहा था, ठीक है ना। तो इसकी हमने अच्छे से अंदर से बढ़िया क्लीनिंग कर दी, तो अभी इसे लगा कर सेट करते हैं, ठीक है। तो भाई ये दोनों वायर हमने इसमें लगा दिए, लगाने के बाद अब इसे देना है ग्राउंड। तो ग्राउंड मैंने ये वाले वायर से उठा लिया, ये इसकी एक चिमटी, ठीक है ना। तो ये हम कहीं भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, मैं इसे ऊपर की तरफ कर देता हूँ। तो अपना मिल गया इसे ग्राउंड, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आते अपने इंजन की तरफ। तो जो हमने ये पॉजिटिव वाले ये वायर हटाए हुए थे, तो अभी ये इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद सेल्फ लगा के देखते हैं। तो अब अपना टर्मिनल हमने फिलहाल लगा दिया, दोनों लगे हुए, अब जाते हैं गाड़ी की तरफ। अपनी मोटर सेल्फ मोटर ये रखी हुई, गाड़ी का इग्निशन करते हैं ऑन,
गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया, अब इसके बाद लेंगे सेल्फ। अभी क्या है कि ये दोनों चीज आगे मूव भी होनी चाहिए और मोटर भी घूमना चाहिए। 1 2 3 क्या बात क्या बात। अब ये देखो वो आगे भी मूव हो रहा है और उसके बाद मोटर भी मूव हो रही है, ठीक है ना। तो अब हमारा जो सेल्फ है वो है पूरा सेट। अब इसे कर देते इग्निशन ऑफ। इग्निशन ऑफ करने के बाद अभी फिर दोबारा क्या है कि हम अपना ये टर्मिनल लूज करेंगे, ठीक है ना। इसे लूज कर देते हैं ठीक, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। हमेशा गाड़ी में कोई भी काम करो तो पॉजिटिव वाला आप निकाल दो, उसके बाद ही गाड़ी में कोई काम करना है, ताकि कोई भी बार गलती से भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो कहीं की भी वायरिंग फूक सकती है, तो उसमें काम बढ़ जाएगा। तो हमेशा अपना पॉजिटिव वाला टर्मिनल निकाल दो, ठीक है ना। नेगेटिव वाला लगा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पूरी बॉडी में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी करते हैं उसे सेल्फ को इंस्टॉल, ठीक है ना। इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ सेल्फ लेकर कैसे क्या होगा। भाई गाड़ी के नीचे घुसे ना, हाथ चलाना बहुत मुश्किल है, जगह नहीं मिलती बिल्कुल भी। तो ये फिलहाल क्या है कि मैंने यहाँ पे सेल्फ लगा दिया, बस अब खाली इसमें पैच कसने बाकी है, ठीक है ना। तो हाथ अगर मेरा पहुँच जाएगा तो ये अपना सेल्फ आ गया। एक पैच यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना, मेरी उंगली दिख रही हो, एक इसके थोड़ा सा ऊपर है, एक थोड़ा ऊपर है। तीनों को पैच कस कर अच्छे से टाइट करके फिर लेते हैं इसमें सेल्फ। सेल्फ पूरा सेट कर दिया, वायरिंग पायरिंग सब सेट कर दी। इसका कनेक्टर टूट गया था, फिर मैंने यहाँ पर टेप लगा दी, ठीक है ना। पूरा सेल्फ सेट हो गया। अब बाहर हमने बैटरी के वायर भी लगा दिए, पॉजिटिव वाला ये लग गया, नेगेटिव वहाँ लगा हुआ है। अब गाड़ी को करके देखते हैं स्टार्ट, देखते भी क्या कहानी बनती है। ऊपर वाले का नाम ले गए, चाबी ऑन, सारी लाइटें आ गई, ठीक है ना। 1 2 3 क्या बात। गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना, कोल्ड स्टार्ट है, अभी थोड़ा टाइम लेगी, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। कहना जब ज्यादा देर गाड़ी खड़ी रहती है ना तो डीजल नीचे चला जाता है, तो इसमें हम कुछ नहीं, थोड़ा ये पंप करना होता है। ये अपना एक पंप होता है डीजल गाड़ियों में इस तरह का, ठीक है ना। तो इसे दबाएंगे, दबाने से क्या है ना कि इंजेक्टरों में अच्छे से तेल चला जाएगा। अनु सेल्फ लगा, सेल्फ लगा, तू बता दो। गाड़ी स्टार्ट अपनी बढ़िया, एक नंबर। अब ऑफ रोडिंग के लिए फिर से तैयार है। तो ऐसी ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल फोर व्हील राइडर के साथ, जिसमें आपको हम ऑफ रोडिंग और इस तरह की ट्रिक्स है ना, वो भी आपको सारी चीज़ बताऊंगे कि भाई गाड़ी किस तरीके से, अगर कोई भी उसमें दिक्कत आ रही है तो आप खुद से कैसे उसे ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं हर चीज़ को लेकर मिस्त्री के पास भागना। तो हमारी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल फोर व्हील राइडर के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर। जय बाबा की।